हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट इस बार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। वजह है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस हलके से चुनाव लड़ना। वहीं कांग्रेस ने लाडवा से मेवा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बताते चले मेवा सिंह पिछली बार भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि इनेलो ने पूर्व विधायक शेर सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। बताते चले मेवा सिंह, जिनको कांग्रेस ने लाडवा से प्रत्याशी बनाया है, इनके करियर की शुरुआत 1985-86 में सरपंच के पद से हुई थी। इसके बाद वे जिला परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद इनेलो की ओर से कुरुक्षेत्र जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। वहीं लाडवा सीट कुरुक्षेत्र के थानेसार निर्वाचन क्षेत्र से अलग होकर बनाई गई। उन्होंने पहला चुनाव 2009 में जीता था। 2009 में ही लाडवा सीट पर पहली बार मतदान हुआ था। मेवा सिंह 2009 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे थे। उन्होंने इनेलो के शेर सिंह को हराया था। इसके बाद वे 2011 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मेवा सिंह ने पत्नी बचन कौर को 2014 में इस सीट से चुनाव लड़वाया, लेकिन वे भी चुनाव हार गईं। बीजेपी के पवन सैनी ने बचन कौर को 3000 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 के चुनाव में मेवा सिंह ने बहू को मैदान में उतारा, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह लाडवा के बड़े चेहरों में से एक हैं। अब लाडवा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन इनेलो ने इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट पर जातीय समीकरण भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बता दें यहां करीब 30,000 वोटर जाट और 36,000 वोटर सैनी समुदाय के हैं। इसके अलावा करीबन 20,000 कश्यप और लगभग 15,000 वाल्मीकि, 20,000 हरिजन और 9,200 सिख वोटर्स ही हैं। अब इस मुकाबले में किसके सर सजेगा ताज और किसको देखना पड़ेगा हार का मुंह, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।